मैं तो ये कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट को ना घसीटो सियासी जंग में। कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं। एक बंदा है जो डिलीवर नहीं कर पा रहा, जो नहीं कर पाया तो पार्लियामेंट के अंदर से उसके खिलाफ आदमी एतमाद आया। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है मुझे ये कोई बताए। और कल तक तो बड़े रोब से कहते थे कि आर्मी चीफ के मेरे जैसे ताल्लुकात, जिस तरह मेरे ताल्लुकात हैं वैसे आर्मी चीफ के किसी के साथ ताल्लुकात नहीं। आज जब कौम के जज्बात को देखा तो आज कहता है कि इख्तियार था लेकिन इख्तियार नहीं था। ए बाबा इख्तियार नहीं था तो फिर वहां बैठ क्यों, कुर्सी के लिए? थैंक यू। देखिए मैं तो ये कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट को ना घसीटो सियासी जंग में। कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं। एक बंदा है जो डिलीवर नहीं कर पा रहा, जो नहीं कर पाया तो पार्लियामेंट के अंदर से उसके खिलाफ आदमी एतमाद आया। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है मुझे ये कोई बताए। और कल तक तो बड़े रोब से कहते थे कि आर्मी चीफ के मेरे जैसे ताल्लुकात, जिस तरह मेरे ताल्लुकात हैं वैसे आर्मी चीफ के किसी के साथ ताल्लुकात नहीं। आज जब कौम के जज्बात को देखा तो आज कहता है कि इख्तियार था लेकिन इख्तियार नहीं था। ए बाबा इख्तियार नहीं था तो फिर वहां बैठ क्यों, कुर्सी के लिए? थैंक यू। देखिए मैं तो ये कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट को ना घसीटो सियासी जंग में। कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं। एक बंदा है जो डिलीवर नहीं कर पा रहा, जो नहीं कर पाया तो पार्लियामेंट के अंदर से उसके खिलाफ आदमी एतमाद आया। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है मुझे ये कोई बताए। और कल तक तो बड़े रोब से कहते थे कि आर्मी चीफ के मेरे जैसे ताल्लुकात, जिस तरह मेरे ताल्लुकात हैं वैसे आर्मी चीफ के किसी के साथ ताल्लुकात नहीं। आज जब कौम के जज्बात को देखा तो आज कहता है कि इख्तियार था लेकिन इख्तियार नहीं था। ए बाबा इख्तियार नहीं था तो फिर वहां बैठ क्यों, कुर्सी के लिए? थैंक यू। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।